मेरी थीम छोड़ो, मैं तो थीम करते रहता हूँ, शोज करते रहता हूँ। आप सना से पूछो, मेरे ऊपर क्यों डाल रहा है, खुद बोल। It's always a great experience doing a show and creating एक vibe create करना कपड़ों के through। लोग गानों के through करते हैं, movies के through करते हैं, मैं कपड़ों के through करता हूँ। और मेरे show की heroine है शहनाज़ की। आउटफिट में बहुत सारे कलर्स हैं, ठीक है, मतलब मुझे तो फीलिंग वाइल्ड वाली आ रही है। आई डोंट नो इफ आई एम वाइल्ड ना, बट मैं कुछ भी डालती हूँ तो मैं क्यूट लगती हूँ, तो वो मुझे लगता है बेस्ट चीज़ है मेरी। तो कपड़े मुझे कैन पे भरोसा था, एंड कैन जो वाइब देता है कलरफुल, तो मुझे लगता है ये वही सिग्नल देता है कि हमें सबको कलरफुल हैप्पी ऐसे रहना चाहिए, खुश रहना चाहिए। तो ये कपड़ों में यही है, यही प्रेजेंट कर रहे हैं। शहनाज़ बीइंग एट बॉम्बे कॉन्सर्ट एंड कैरिंग अ आउटफिट ऑफ केक और एज अ शो स्टॉपर आना, कैसी फीलिंग रही जरा बताना। पता, जब मुझे बार बार ये पूछा जाता है ना कि कैसी फीलिंग रही, कैसी फीलिंग, सेम क्वेश्चन, मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड मैं अपने फ्रेंड के लिए वॉक किया, पहले भी किया था मैंने एक बार, एंड मुझे इसने एक बार पूछा कि मैं दोबारा करना चाहता हूँ, मैंने कहा प्लीज़ प्लीज़ मैं ही करूँगी। एंड मुझे लर्निंग एक्सपीरियंस मिलता है जब मैं रैम वॉक करती हूँ, सो मेरे लिए एक एक्सपीरियंस, लर्निंग एक्सपीरियंस। अच्छी बात है, देखो जाके सब, एंड ऑल द बेस्ट। डिपेंड्स ऑन सिचुएशन, सिचुएशन कैसी है। आज की सिचुएशन अच्छी थी, मैं थोड़ी टाइट थी, बट जब मैं तैयार हुई मुझे अच्छी फीलिंग आई, एंड मुझे बहुत अच्छी फीलिंग आई, एंड मैंने रॉक कर दिया। आई थिंक समर में ऑफ कोर्स कम्फर्टेबल कम्फर्टेबल लूज ईजी गोइंग क्लोथ्स, हैप्पी वाइब टू बीट द हीट, आई थिंक दैट्स स्टे कूल वेयर कूल। ईद मुबारक एवरी वन, ईद मुबारक, एंड मज़े करो, एंड अपने जितने भी गिले शिकवे किसी के साथ वो सारे ख़त्म कर दो, एंड इन्जॉय करो। बट